तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कि आप स्विगी से अपने रेस्टोरेंट को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे स्विगी पे अपने रेस्टोरेंट को रजिस्टर करना चाहते हैं और ऑनलाइन स्विगी और जोमेटो से अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे नंबर डिस्प्ले पर दिया गया है, आप हमें इस पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। और अगर आपका कॉल कभी नहीं लगता है या कॉल रिसीव नहीं हो पाता है तो हाँ, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। और इसके बाद आपका यहाँ पर 1 घंटे के अंदर में जोमेटो और स्विगी दोनों पर आपका रेस्टोरेंट रजिस्टर हो जाएगा। और अगर आपका यहाँ पर फूड लाइसेंस वगैरह नहीं बना हुआ है तो हम लोग पहले आपका फूड लाइसेंस बनाएंगे। और आपका जब फूड लाइसेंस आ जाएगा, जिस दिन आपका फूड लाइसेंस आ गया उसी दिन आपका जोमेटो और स्विगी पे दोनों रेस्टोरेंट आपका रजिस्टर हो जाएगा। रेस्टोरेंट हो या क्लाउड किचन हो, आपका स्टार्ट हो जाएगा जोमेटो और स्विगी दोनों पे। और अगर आपका फूड लाइसेंस आपने अप्लाई किया था और आपका रिजेक्ट हो चुका है तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका अप्लाई रिजेक्ट हो जाने के बाद भी आपका नया दोबारा लाइसेंस आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ए टू जेड सब कुछ काम करते हैं। आपका पहले हम लाइसेंस बनाएंगे, फिर उसके बाद आपका मेनू कार्ड नए रेस्टोरेंट का, तो मेनू कार्ड बनाएंगे और इसके बाद आपका जोमेटो और स्विगी दोनों पे रेस्टोरेंट स्टार्ट कर देंगे ऑनबोर्डिंग कंप्लीट करके। तो आपको अगर फूड लाइसेंस बनवाना है तो फूड लाइसेंस के लिए आपको यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो होता है आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेस्टोरेंट का रेंट एग्रीमेंट या बिजली का बिल। तो आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पे लेकर के रखना है और इसके बाद आपका यहाँ पे लाइसेंस अप्लाई हो जाएगा। और अगर आपका यहाँ पे लाइसेंस आ चुका है तो आपका लाइसेंस, फूड लाइसेंस, मेनू कार्ड, पैन कार्ड, अकाउंट डिटेल्स, IFSC कोड, फिर उसके बाद आपका रेस्टोरेंट का लोकेशन, रेस्टोरेंट का फोटो, रेस्टोरेंट का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे भेजना है। और इसके बाद आपका यहाँ पे 1 दिन के अंदर में स्विगी पे रेस्टोरेंट हम स्टार्ट कर देंगे आपका।